हमें शुरुआत करना चाहिए बलात्कारियों घर छोड़ो, बलात्कारियों स्कूल छोड़ो, बलात्कारियों बाजार छोड़ो, मोहल्ले छोड़ो, शहर छोड़ो, बलात्कारियों भारत छोड़ो। बच्चों के साथ बलात्कार करने वालों के लिए इस महान देश में जगह नहीं होनी चाहिए। मेक इंडिया, मेक इंडिया, मेक इंडिया। अपने भविष्य को शोषण के काले युग से आइए हम बाहर निकलते। कैलाश सत्यार्थी जी ने जो बाल शोषण के खिलाफ जंग शुरू की है, आइए आप भी हम सबके साथ मिलकर उसका हिस्सा बनते हैं। आज से चुप्पी टूटेगी। We are not ready to accept that India is known as the country where the young children as young as 2 months, 3 months, 4 years, 5 years are raped. This is the war for making India safe. हम हर दरवाजा खटखटाएंगे और लोगों से कहेंगे चुप मत रहिए, बाहर निकलिए, बोलिए, चुप्पी तोड़िए। इस यात्रा के माध्यम से कम 1 करोड़ लोगों को बाल यौन शोषण के खिलाफ संकल्प से जोड़ें। You bring any policy, we are with you. We will implement in Andhra Pradesh as a pilot, as a test bed, and we can implement all over the country in the near future, in the world also. कहाँ कि तुम चुप हो जाओ? परिवार का मामला परिवार में दबा दो। पुलिस में जाने के बावजूद पुलिस से जब हमें ये जवाब मिलता है, जब पुलिस हमारी मदद नहीं करेगी, तो और कौन करेगा? If no single incident of sexual abuse of children happen now onwards in the country, in some states, it will take 40 years to dispose of those cases. Do you think that a 15-year-old girl abused today will be attending the court hearings when she turns 60? I have personally taken note of the statements of Kailashji, and I'll personally request our learned registrars look into the matter. The POXO cases are disposed of quickly and in a child-friendly court. Bharat Yatra के बाद मैं कैलाश जी आपको, आप भोपाल पधारिए, हम लोग बैठते हैं, दो हैं, दोनों बाहें फैला के हम आपको पुकार रहे हैं, मिलकर काम करें। Largest ever social movement is being built on this issue. So those who are taking part in it, you are the creators of history. हमारे देश में महान लक्ष्यों के प्रति लोगों में जागरूकता और प्रेरणा का संचार करने के लिए समय समय पर पद यात्राएं की गई हैं। इतिहास के विद्यार्थी और सामान्य नागरिक भी उन पद यात्राओं के महत्व को जानते हैं। आज संपन्न की गई इस भारत यात्रा को मैं उन्हीं ऐतिहासिक पदयात्राओं की श्रेणी में रखता हूं। प्रधानमंत्री जी बात करते हैं न्यू इंडिया की, कंसेप्ट अच्छा है। न्यू इंडिया अर्थात विद इंफ्रास्ट्रक्चर, सुख सुविधाओं से लैस, लेकिन वो सब कुछ होते हुए भी यदि जो सेक्सुअल अब्यूज का है, हमारे बच्चों के साथ जो दुर्घटनाएं अत्याचार होता है, अगर इस प्रकार के जो सेंसिटिव इश्यूज हैं, ये इश्यूज छूट जाएंगे, तो मुझे लगता है कि शायद वो हमारा जो 75 साल पूरे करेंगे तो वो भारत देश की आज़ादी का उसमें फिर भी अधूरापन रहेगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आप आगे बढ़िए, देश आपके साथ।
मुझे लगता है कि ये आंदोलन चलेगा तो सही मायने में मैं कहता हूँ कि असली राष्ट्र निर्माता यही है। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत उठकर खड़ा हो रहा है, भारत की अंतश्चेतना, भारत की अंतरात्मा सुरक्षित भारत बनाने के लिए खड़ी हो रही है और मुझे यकीन है यात्रा की समाप्ति के बाद भी ये आंदोलन जारी रहेगा। हम खुद इस आंदोलन को चलाएंगे क्योंकि हमारे लिए ये सिर्फ एक सामाजिक जागरूकता का अभियान नहीं है बल्कि एक महायुद्ध है और इस महायुद्ध में हम जीतेंगे। बिकने को तैयार नहीं हम, हो लूटने को तैयार नहीं हम, झुकने को तैयार नहीं हम, झुकने को तैयार नहीं हम, निकल पड़े हैं झुकने को तैयार नहीं हम, निकल पड़े हैं। दुनिया के अलग अलग भागों में बच्चों के अधिकारों की लड़ाई में अपने आप को समर्पित कर देने वाले नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भारत गर्व श्री कैलाश सत्यार्थी। निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, हम निकल पड़े हैं।